सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज रविवार का दिन है और आज हम आपकी अर्ली मॉर्निंग क्लास आ रहे हैं। जो लोग नहीं पता था तो वो लोग फिर रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। जय दशरथ प्रवज्जा आपका ग्रंथ चल रहा है, जिसमें दशरथ के संन्यास के बारे में बात की जा रही है और गाथाओं में प्राकृतिक गाथाओं के अंदर करके प्रति सौर में 31वीं आपकी क्लास चल रही है, क्लास 31। और आज डेट है 25 मार्च 2018। पहले दशरथ के बारे में बात आई कि दशरथ क्यों संन्यास ले रहा है, उसके बाद उनको देखकर भरत भी उद्यत हो रहे हैं, भरत का भी मन कर रहा है संन्यास लेने का। तो उनके मन में जो विचार आ रहे हैं कि ये जीवन क्षणभंगुर है ये देह, और सबसे नज़दीक हमारे इस शरीर के क्या है, देह है इस आत्मा के, और बाकी जो परिवारिक जन हैं जो बंधु जन हैं तो वो तो बाद में आते हैं। तो जब देह से ही कोई प्रयोजन नहीं है वही यहीं पर रह जाने वाली है, बाकी लोगों से भी क्या प्रयोजन है, तो इसलिए उनसे मोहनीय कर्म जो है वो सबसे ज़्यादा कठिन है छोड़ना। तो इसलिए पिता के द्वारा भी पृथ्वी से कोई लाभ नहीं है, वो पृथ्वी को छोड़ रहे हैं और स्नेह बंधन मुश्किल से छोड़ा जाता है। तो इसलिए भरत के मन में भी प्रवज्जा लेने का भाव आ रहा है, उसका वर्णन चल रहा है कि उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं। उसके बाद अगली गाथा में था कि एक खुद इस जीवो ये जीव अकेला ही आता है और इस भव रूपी जंगल में संसार रूपी जंगल में दुख पाता है और पाप पाता है ना। उसके बाद आया कि मोह से अंध होकर भ्रमण करता है और पुनः पुनः जहाँ तहाँ भटकता रहता है, यानी कि बार बार कभी यहाँ जन्म लिया कभी वहाँ जन्म लिया। पढ़ती में आया है कि 14 राजू का ऊंचा ये जो पूरा 3 लोक है, जिसका घन राजू में अगर देखा जाए तो 343 ना 343 घन राजू, एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन में इस समय हम इतना बड़ा एरिया है, तो जितने भी हम सब आत्माएं हैं ये सब इस अनादि काल से इस 343 घन राजू में 1 सेंटीमीटर भी कोई जगह नहीं बची जहां हम नहीं गए हैं। तो बार बार भ्रमण क्या शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि तो हर जगह हमारा जन्म हो चुका है। अब आप कहोगे कि उस कोने में हम कहां गए हैं, अरे कभी हम अच्छे बने होंगे कभी हम एक इंद्रिय पर्याय बने होंगे, हर जगह इस पूरे हवा में पूरे 3 लोक में, चाहे कोई बहुत सुंदर जगह हो चाहे स्विट्जरलैंड हो चाहे अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या पूरा, ये तो बहुत छोटी जगह है इस अभी के भरत क्षेत्र के अंदर और उसमें आर्यखंड में, बाकी पूरे 343 घन राजू में यानी स्वर्ग भी नहीं बचे नरक भी नहीं बचे है ना, कोई भी जगह नहीं बची। इवन हो सकता है हम सिद्ध शिला पर भी जन्म लिए, सिद्ध शिला पर कैसे जन्म ले लिया होगा, भगवान के रूप में नहीं मिले वहां पर, लेकिन वहां पर सिंध जिला पर भी अनादि काल से हम जाने कितनी बार एक इंद्रिय पर्याय में, यानी वहां पर क्या है एक इंद्रिय जीव भी बहुत है जो सूक्ष्म जीव है पांचों प्रकार के, तो उस रूप में भी हो सकता है हमने जन्म लिया हो। ऐसे ही नरकों में हमने न जाने कितनी बार जन्म लिया है, त्रियंचियोनी में, तो पूरे 3 लोक में 343 घन राजू में बार बार ये जीव जहाँ तहाँ भ्रमण करता है और हम क्या होता है हमारा पिछला मेमोरी लॉस हो जाता है, हम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार से फिर से हम पाप इत्यादि करते हैं और ये चक्र चलता रहता है, इस चक्र का कभी भी अंत नहीं हो पाता। इस प्रकार से भरत भगवान यानी कि दशरथ के पुत्र सोच रहे हैं। अगली गाथा है तो सब कला कुशला, तो माने इसलिए तो सब माने सभी,
सब कला सभी कलाओं में कुशला कुशल, सब कला कुशला सभी कलाओं में कुशल। भरहम ना उड़ तथ्य पढ़ बुद्धम। अब ये मुद्दे की बात आज से शुरू हो रही है, जो केकई को पूरे हर जगह बदनाम किया जाता है। क्यों बदनाम किया जाता है? कि उसने अपने पुत्र मोह के लिए है ना राज्य मांगा, और इस तरह से बात आती है कि वो बहुत लालची थी, उसको राजा का मां होने का अभिलाषा थी, तो इसलिए उसने मांगा, जबकि सत्यता थोड़ी सी अलग थी। और थोड़ी सी अलग सत्यता क्या थी? मोह तो था, इसमें तो कोई शक नहीं है। मोह की वजह से ही ये कई माता का नाम जगत में बदनाम हो गया, जरूरत से ज्यादा मोह था। तो अब ये वाली बात आज के कथाओं में आएगी। भरहम ना उड़ तख्त पड़े बुद्धम। भरहम भरत, ना उड़ कल की गाथा में गया है ना, जानकर, ना माने जानना, उड़ लग गया जानकर। तख्त पड़े बुद्धम, इस प्रकार से जागृत हुए हुए या इस प्रकार से उसकी बुद्धि हुए हुए। ऐसी बुद्धि कि जो ऊपर के गाथाओं में आया है कि वो चाह रहे हैं भरत भी वैराग्य धारण करना पिता के साथ में, ऐसी उसकी बुद्धि को जानकर। सोग समुत्थय यया। सोग, सोग माने शोक, कल भी आया था। समुत्थ, समुत्थ माने समुद्र, शोक समुद्र में। यही यया यानी कि शोक समुद्र में डूब गई। एक तरफ तो पति जा रहा है, दूसरी तरफ बेटा भी जा रहा है ना। भरत की माँ कौन थी? केकई थी, है ना, और सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और इधर कौशल्या के पुत्र थे राम। ठीक है, तो दशरथ की इस प्रकार से रानियां थी प्रमुख। परिचिंतई केकई देवी, परिचिंतई चिंता में डूब गई। परिचिंतई, चिंतई माने चिंता में, टेंशन में आ गई। केकई देवी, जो केकई माता है, केकई, केकई प्राकृत में क्या है? केकई नाम है, जिनमें उसे केकई बन गया। आसान गाथा है ना, ज्यादा इसमें कठिन शब्द इस गाथा में नहीं है। शोक से यही क्या, शोक से शोक जैसे ठीक है। तो सब कला कुशला सभी कलाओं में कुशल, ठीक है, इसका अर्थ करने की जरूरत नहीं है। सभी कलाओं में कुशल सीधे सीधे पता चल रहा है। भरत को जानकर तथ्य पड़ी बुद्धम, यानी कि इस प्रकार से उसकी बुद्धि हो गई है। इसका अर्थ कर दिया था जैसे भरत को इस प्रकार से जागृत हुआ जानकर, यानी कि उसकी बुद्धि के, उसके मन के भावों को जानकर। शोग समुत्थ, समुत्थय यया, ऐसे तीन शब्द है, शोक समुत्थय और
और यया, शोक से तो बन गया शोक, समुद्र का मतलब एक तरह से समुद्र, और यया का मतलब होता है हृदय। अब हृदय समुद्र से क्या मतलब निकला कि हृदय शोक समुद्र में उसका हृदय एक तरह से डूब गया। तो उसके लिए क्या भावार्थ यहाँ दिया हुआ है कि हृदय जो है शोक से आच्छादित हो गया, यानी कि एकदम पसीज गया, है ना, बहुत भाव विभोर हो गया। शोक समुद्र को यहाँ पर भावार्थ क्या दिया है, आच्छादित हो गया, यानी कि समुद्र की तरह से भर गया। शोक समुद्र से उसका हृदय शोक से आच्छादित हो गया, ये अर्थ इसमें लिया। परिचिंतई यानी कि चिंता में डूब जाना, चिंतित हो गई, चिंतित होती है कि अब मेरा क्या होगा। के गई देवी यानी कि कह गई, कैकई देवी, ठीक है। अगली की बात समझ में, खाली एक ये वाला वर्ड है यया, यया से क्या बना हृदय, और ये पहले आ चुका है बुद्धि में पड़ गए या जागृत हुए। शो माने शो, समुद्र से वैसे समुद्र होता है, लेकिन साथ में और क्या है, इसका भावार्थ लिया है कि शोक से उसका हृदय भर आया, शोक उसके हृदय में एक तरह से शोक समुद्र से डूब गया उसका हृदय, इसका परिचिंत माने चिंता करने लगी। कई देवी सभी कलाओं में कुशल, सभी कलाओं में कुशल यानी कि अभी आगे की गाथाओं में आएगा कि वो युद्ध की कला भी जानती थी, है ना। तो उनको एक बार उन्होंने दशरथ महाराज को एक युद्ध में क्या किया था, सारथी बनके उनकी सहायता की थी, है ना। सारथी जैसे किशन जी थे इनके, अर्जुन के, तो जो इनको गाइड करते हैं तो इनको प्रकार से सारथी होते हैं, कब कौन सी चाल चलनी है तो उसमें भी कुशल थी। युद्ध जिताने की वजह से दशरथ ने उस समय उनको कहा था कि कोई भी वर मांगो, जो कहोगे तुम्हें मिलेगा। तब उसने कहा अभी तो आप मेरे राजा हैं, सब कुछ तो मेरे पास है ही है इस अयोध्या नगर में, है ना, आपकी मैं रानी हूँ। तो उस प्रकार से उन्होंने कहा तो मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, जब कभी समय आएगा तुम जरूरत होगी तो मांग लूंगी। इस प्रकार से युद्ध में भी कुशल थी, बहुत होशियार थी, और जैसे कहानियों में टीवी सीरियल वगैरह में केकई को काड़ा दिखा दिया जाता है, उनको बहुत चालबाज दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं था वास्तविकता में। जब आपका हम चलिए पद्म पुराण पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर थी और बहुत सुशील थी, बहुत ही कलाओं में हर तरह से कुशल थी। केवल एक कमी क्या थी, मोह बहुत ज्यादा था पुत्र और पति के प्रति, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया जो अग्नि की गाथा, क्या किया वो अग्नि की गाथाओं से आपको आ सकता है। से क्या निकला पति, जैसे मई से क्या हो जाता है मति, तो पई से क्या बना पति। एक वचन में क्या हो जाता है इकारांत, यानी कि बड़ी हो जाती है, तो इसलिए इकारांत हो। ना तो मेरा पति है, पति क्या है जा रहे हैं सो रहे, ना पुत्रो और ना पुत्र, पुत्र भी निकल जाएगा, दोनों भी दिखा लास हो जाया, दोनी यानी कि दोनों ही माने ही, दोनों ही दिखा हिलास लो, दिखा
इला सिरो यानी कि दीक्षा की तरफ, दीक्षा अहिला सिरो यानी कि अभिलाषी। तो साहुड़ो से क्या बना है ना, बेड़ो से हिला सिरो यानी कि दीक्षा के द्वारा, अभिलाषा के द्वारा जाया, जागृत हुए हैं, जा रहे हैं दीक्षा की तरफ, अभिलाषी हुए हैं। चिंतेमि तम उवाय, चिंता करती हूँ यानी कि सोचती हूँ। तम उपाय, कोई ऐसा उपाय, ऐसा सोच रही, अकेले ही माता सोच रही है कि ना तो मेरा पुत्र है, ना तो मेरा पति और ना ही पुत्र। अब ना मेरे पास पति है और ना पुत्र, मैं अकेली बिचारी क्या करूंगी। क्योंकि तो पहले क्या होता था, इतने बड़े बड़े राज्य हो गए थे तो एक घर में नहीं रहते थे लोग, जैसे तीन रानियां हैं तो सबके अलग अलग बड़े बड़े महल होते थे, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल, तो दूर दूर रहते थे। कभी कभी है ना, जब राज्य का काम हो रहा है उस प्रकार से मिलना होता था, आना जाना, लेकिन सबके अलग अलग बड़े बड़े महल होते। तो ना ये मैं पई, ना तो मेरा पति और ना अब मेरा पुत्र बचा, दोनों ही दीक्षा की तरफ अहिलाषी यानी कि अभिलाषी रो लग गया। तो साहुड़ो या मैड़ो की तरह से तो दीक्षा की तरफ अभिलाषी जाया हुए हैं, जा रहे हैं। तब मैं कोई उपाय सोचती हूँ, चिंता करती हूँ। जेड़ स्वयं वो नियत तेमी, जिससे कि स्वयं माने की पुत्र, पति को तो नहीं रोक पाएगी क्योंकि उस पे बस नहीं चलेगा, और उनका जाना एक तरह से सही उम्र है तो सही भी है, लेकिन पुत्र भी बेचारा बच्चा है। तो जिससे कि मैं स्वयं माने, पुत्री स्वयं माने पुत्र, वो नियत तेमी, नियत तेमी कम से कम उसको तो मैं लौटा लूं ना। जब कोई जा रहा होता है तब साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। जब आपको कोई चीज चाहिए होती है तो महिलाएं जल्दी क्या करती हैं, स्वभाव से रोना शुरू करती हैं, ब्लैकमेल शुरू करती हैं, है ना। तो क्या पता उससे काम चल जाए, उससे नहीं चलेगा। जब उसे पता चला तो उसने कहा कि कुछ और काम करती हूँ। ठीक है, माता क्या सोच रही है, ना तो मेरा पति है, पई माने पति, मे माने मेरा, अब ना तो मेरा पति है और ना ही पुत्र है, दोनों ही, दोनी माने दोनों, भी माने भी, दो शब्द हैं, दिख अहिलाषी रो, अहिलाषी से क्या बना, अभिलाषी यानी कि इच्छा करते हैं, अभिलाषी, और दीक्षा से दीक्षा, दीक्षा की ओर अभिलाषी जाया माने हुए हैं, जा रहे हैं। चिंतेमि तब मैं कोई ऐसा उपाय, उपाय माने उपाय, चिंतेमि चिंता करती हूँ या सोचती हूँ, प्लान करती हूँ। उत्तम माने कोई ऐसा जेड़, जिससे कि स्वयं माने पुत्र को, नियत्तेमी लौटा दूं, वो माने कम से कम, तो अगे है नियत्तेमी पुत्र को तो लौटा सकूं या लौटा लूं, लौटाऊं। ठीक है, नहीं लग गया तो क्योंकि उत्तम पुरुष कई अपने मन में सोच रही है, तो उसके लिए मैं करके संवाद चल रहा है, मैं पुत्र को तो लौटाऊं, तो इसलिए क्या है कि मी लग रहा है, उत्तम पुरुष
एक वचन के लिए वारा देखते हैं, ना तो मेरा पति है और ना पुत्र है, दोनों ही भी माने ही दीक्षा की ओर अहिलास लो यानी अभिलाषी हुए हैं, जाया माने हुए हैं, जा रहे हैं। चिंते ही तब उपाय, इस प्रकार से है कि उपाय से क्या बना, उपाय या युक्ति, कोई प्लानिंग ऐसी करती हूँ जिससे कि जीड़ माने जिससे कि तृतीय विभक्ति एकवचन, कम से कम मैं पुत्र को वो माने तो नियति में लौटा सकूं। पीछे उठो, क्या उपाय करेंगी, सबको कहानियां पता है, जो भरत के लिए राज मांगेंगी। कल आपको बताया था कभी कोई जिम्मेदारी अगर दे दी जाती थी राजा महाराजाओं को तो वो जिम्मेदारी के नहीं जाते थे, जब उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई मिल जाता था तब नॉर्मली वो इच्छा इत्यादि की तरफ पढ़ते थे, या अगर यंग एज में है तो कोई पहले से पिताजी है देखने वाला राज्य काज तो वो छोड़ देते थे। अगली गाथा, सत्रहवीं गाथा है, तो साविण ओ गया, तो साविण ओग यानी विनियोग, विनियोग विड ओग, विड ओग गया, बढ़ई निवम के गई महादेवी, भड़ई माने कहती है, निवम के गई महादेवी, विनय समझ के गई राजा को कहती है, विनियोग यानी विनय विड़ो विनय से सहित होकर, निव माने राजा होना चाहिए, राजा को केकई महादेवी जाके कहती है, तब मे वरम अयच्छसु, तम मे वरम अयच्छसु, जो भड़ियो सुहड सामखम, जो बढ़ियो सुहड यानी कि सुभट, जो राज्य के कर्मचारी सामखम उनके समक्ष, अब वो जाके याद दिला रही है, निव माने राजा है, ये भी राजा का ही पर्यायवाची है, निव माने राजा, विनय ओ गया यानी कि विनय ओ गया, विनय से सहित होकर ओ गया, विनय ओ गया, तब यानी कि तो माने तब, सा माने स्त्रीलिंग है, सो से सा, सा का मतलब वह, वह कौन, केकई, विण अ और ओ गया, दो शब्द हैं इसमें, विण अ प्लस ओ गया यानी कि ओ गया का मतलब है उसके सहित, विण अ से है विनय,
विनय से होकर भड़ई वाले कहती है, यानी कि ऐसे नहीं है कि लड़ने पहुंच गई है ना आजकल की स्त्रियों की तरह, विनय से सहित होकर सम्मान के साथ में राजा के पास पहुंचती है। भड़ई माने भरत नहीं है, भड़ई माने भड़ माने क्या था कहना, भड़ई माने क्या हो गया कहती है। ये निव नया शब्द है, लेकिन क्या है निव का मतलब भी राजा, ये आपको याद करना है। निव माने राजा को कौन कहती है, केकई महादेवी, महारानी जैसे बोलते हैं ना, तो केकई महारानी महादेवी राजा को विनय से सहित होकर कहती है। तम मे वरम, आप मुझे तम माने वह वर, पयच्छसु का मतलब है देना, ये भी एक नया शब्द है। सु लग गया ही धी सु सुनने वाला, तो क्या बना दो दीजिए। जो भड़ियो, भड़ियो माने कहा गया था, ओयो तो दो भूतकालिक दंत, सुहड सामक्खम सुभटों के समक्ष, सामक्खम समक्ष उनके सामने, यानी कि आप मुकर नहीं सकते, जब इतने साल जब हम सब जीत गए थे एक बार युद्ध, तब आप में सभी सुभट जो उस समय वहां पर कर्मचारी थे जो युद्ध में सारथी वगैरह थे और साथी थे, तो उनके सामने इतने सारे लोगों के सामने आपने मुझे कहा था कि वर मांगो, जो कहोगे वो मिलेगा, यानी कि उसने ये भी कहा कि अकेले में नहीं आपने मुझसे कहा था, उन सबको भी अगर मुकर जाओगे तो बुला लूंगी है। तो साविड़ो गया, यानी कि वैसे पुराने राजा महाराजा चाहे कहीं पर भी कुछ बोल देते थे तो उससे नहीं मुकरते थे, चाहे अकेले में बोला हो चाहे पब्लिकली बोला हो। आजकल तो जो बड़े बड़े जो लोग हैं मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब लोग क्या होते हैं, बात बात पे क्या होते हैं, पलट जाते हैं है ना। बहुत सारे आपने स्टेट के मुख्यमंत्री देखे होंगे जो हर बात पे अपनी तुरंत पलट जाते हैं, क्योंकि काम तो करना नहीं होता जो प्रॉमिस कर दिया जाता है। आजकल ऐसा होता है पंचम काल के प्रभाव से, चतुर्थ काल में ऐसा नहीं होता। तब वह विनय से सहित होकर के हो गया, यानी कि विनय सहित होकर के राजा को कहती है। भड़ई माने कहना, निव माने राजा, कौन कह रही है, केकई महादेवी, कि आप मुझे वह वर दीजिए, पयच्छसु माने भी दीजिए या दो। जो भड़ी ओ यो तो दो कहां से आया था, भूतकाले कृदंत से, इकारांत कर देते हैं क्रिया को, भड़ की क्या कर दी भड़ी, और ओ का मतलब जो कहा गया था, कब कहा गया था, सुहड सामक्खम, सामक्खम मतलब समक्ष, सुबटों के सामने जब एक बार आपने कहा था वह वर आप मुझे आज दीजिए, वर माने वरदान, एक वर माने होता है पति को, उसको बोलते हैं जब दूल्हा होता है ना उसको भी वर बोलते हैं, यहाँ पे वर से क्या मतलब है, वरदान, यानी कि वरदान आप समझते हैं ना कि कौन सी बात थी, कि जो कहोगे वो आपको, अगर हमारे कैपेसिटी में होगा आप वो चंद्रमा ले आओ तो वो सब चीज नहीं, जो कैपेसिटी में होगा वो दे दिया जाएगा। फोटो खींच लो भाई साहब, खींचे किस कर आज है, तो
वो वर मांगने पहुंची है। कौन? विजय देवी। निम आपको याद करना है, निम माने राजा। भड़ई तो नर वस भो, हरिणी कहता है भड़ई माने कहते हैं, कहता है भड़ई तो तब कौन कह रहा है अब नर वस भो। नर वस का मतलब भी क्या था, कई बार आए नरविंद नर्वस होना, नहीं नर्वस होना नहीं, यहाँ पर आगे तब जो है राजा से नर। अब वो एक कंडीशन लगा देंगे, दिखम मोतूड़ जंपिए भसी। पहले तो कंडीशन नहीं लगाई थी, उस टाइम तो कहा था जो मांगोगे सो मिलेगा। अब राजा डर गया कि ये वर ये ना मांग ले कि तुम उस वर के लिए दीक्षा लेने मत जाओ। उन्होंने कहा कुछ भी ले लो, बस एक चीज मत बोलना कि दिखम मोतूड़ जंपिए भसी, दीक्षा को छोड़कर, है ना। कितनी बड़ी बात है कि भैया ये काम तो मैं करूंगा, बाकी तो मैं छोड़ के जा ही रहा हूं, जो चाहिए सो ले लो। तो एक कंडीशन उसने लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? कि मेरी दीक्षा के, उस टाइम उसको भरत की दीक्षा का नहीं पता था, नहीं तो कह देता मेरी और भरत की दोनों की दीक्षा को छोड़कर कुछ भी मांग लेना। लेकिन उस बेचारे राजा ने क्या कहा, दीक्षा को छोड़कर, केवल एक तरह से अपनी ही दीक्षा के बारे में बात करी। दीक्षा मोतूड़ जम पिए बड़सी, कि प्रिय कुछ भी मांग ले जो तुम्हारी मर्जी हो, कुछ भी मांग लो। मोतूड़ माने छोड़कर, उड़ लग गया मोत माने छोड़ना, उड़ माने कर, दीक्षा माने दीक्षा को छोड़कर प्रिय कुछ भी कह दो जो आपको चाहिए। तम अज तुझ सुंदरी सबम संपाड़ इस्तामी, तो आज मैं तुझे सुंदरी, तम तब मैं अज माने आज, तुझ यानी कि तुम सुंदरी, हे सुंदरी तब मैं आज तुम्हारे लिए। सुंदरी बोलते हैं जैसे किसी को संवाद करते हैं, भले वो सुंदर हो या नहीं हो, आज की क्या बोलते हैं सुंदरी बोल दिया जाता है। वैसे केके तो बहुत सुंदर पहले थी। सबम संपाड़ इस्सामी, जो बोलोगे सभी कुछ तुम्हारे लिए दे दूंगा। सबम माने सब कुछ, संपाड़ सभी संपत्ति, संपाड़ इस्सामी अब ये ससा कहां से लग गया, ध्यान आ रहा है भविष्य काल में ही ससा और सी था, और उत्तम पुरुष में क्या था ही सा सी, और सा कौन सा था ससा। ध्यान आया, बहुत दिनों बाद ये वर्ड आया है आपका आज। उत्तम पुरुष भविष्य काल, ससामी संपाड़िये क्या है ही ससा, ये तो भविष्य काल के प्रत्यय थे और आगे हम क्या ऐड करते थे वर्तमान के प्रत्यय, तो ये बीच में ही की जगह क्या लगाया है यहाँ पर ससा लगाया, ही ससा और सी में से कुछ भी लगा सकते थे, याद आ रहा है जो अपना भूल ना जाए, ही ससा और सी, ये तीन प्रत्यय थे भविष्य काल के, प्लस हमने क्या करा था वर्तमान का प्रत्यय नी जोड़ा था, सामने देखो नी जोड़ा था तो क्या बन गया था हिमी या ससामी या सिसी मी, और शुरू में हम क्या करते हैं इकारांत करते थे क्रिया को, ये भी ध्यान है ना आपको, तो उसके लिए क्या लग गया ई लग गया, कई बार एक ही मात्रा लग जाती है यहाँ पर थोड़ा सा ई अलग से कर, संपाड़ी ससामी यानी कि देने के लिए है संपाड़ी, तो ससामी लग गया तो क्या बन गया दूंगा संपाड, इसका मूल वर्ड क्या है संपा ड अ,
तो इसलिए यहाँ पे इकारांत क्यों नहीं लगी, इधर देखिए, क्योंकि अ है ये वर्ड, मूल वर्ड संपाद, जैसे बाल अ है ना, तो बालक के लिए ऐसे ही संपाद अ है, तो जब इसको इकारांत करेंगे अ को तो ई लिख दिया जाएगा। अब आ के ऊपर कभी भी ऐसे मात्रा, आप कभी आपने ऐसे मात्रा लगी देखी है क्या, बताइए, आपको अगर इकारांत करना हो तो ऐसे तो ई नहीं करेंगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे गलत है, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, अलग से ऐड हो जाएगा, नहीं ऐड नहीं हो जाएगा, आप अगर इकारांत करना है ई हो जाएगा, तो ई लिखते हैं उसको। ओके, कई बार हो जाता है, मान लो बाल एड़ करना है, बाल अ, बालक के लिए बाल अ शब्द है, और बालक के द्वारा अगर करना है तो क्या करेंगे हम, तृतीया विभक्ति ए बचल, तो बाल अ बस क्या जोड़ेंगे, एड़, क्या बनाएंगे इसमें, बताइए, बाल अ, आ के ऊपर मात्रा लगाएंगे क्या, ऐसे लिखेंगे, कभी ऐसे शब्द देखा है, नहीं, ये क्या हो गया, गलत हो गया, सही क्या है, बाल एर, ये सही शब्द है, कहीं पर आएगा एक दो जगह आपके, जब आप होमवर्क इत्यादि करेंगे कई जगह बालक के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, बाल एर, इस प्रकार से आगे ऊपर मात्रा नहीं लगाते, ठीक है, ऐसे ही आगे ऊपर इकारांत की मात्रा नहीं लगेगी, क्या बन जाएगा, संपा द ई, इकारांत करने के लिए, क्योंकि भविष्य काल में इकारांत करते हैं, संपाद अ, क्या बन गया, संपाद ई, क्या बन गया, इसका अर्थ दूंगा, संपाद माने होता है देना, तो ससामी लग गया तो दूंगा, बड़ई माने कहता है, तव माने तब, नर वसुभो का मतलब है, ये भी राजा के लिए नरविंद की तरह से आया है, राजा देव की तरह से, नरिंदो की तरह से ओला, तब राजा कहता है, दीक्षा को छोड़कर, मुतूर माने छोड़कर, जो भी हे प्रिय, प्रिय माने हे प्रिय, प्रिय जो भी कुछ कहोगे, बड़सी जो भी कुछ कहती हो कहो, सी लग गया तो तुम की वजह से, मध्यम पुरुष में क्या लगाते हैं हम, सी से एसी, तो जो भी तुम कहती हो वो मैं दूंगा, जो भी प्रिय तुम कहती हो, जो भी बात कहोगी, तम अज तुझ सुंदरी, तो आज मैं तुम्हें, हे सुंदरी, है ना, तुझ माने तुम्हारे लिए, तुम्हें सुंदरी, हे सुंदरी, सब कुछ दूंगा, सब माने सब कुछ, जो बोलोगी वो तुम्हें मैं दूंगा, फोटो खींच लो, मैं बीच में आ गया। बड़े माने कहता है, तब माने तब, नर्वस माने राजा, दीक्षा को छोड़कर की, जो भी हे प्रिय तुम कहती हो, तो आज मैं तुमको हे सुंदरी सब कुछ संपादय से, क्या बन गया, भविष्य काल में संपादयी ससामी, यानी कि मैं दे दूंगा। आइए सारी गाथा है समझ में, कि किस प्रकार से प्राकृति आपके समझ में आ रही है इस गाने से, और ये आपको कहानी भी पता चल रही है, पद्म पुराण की स्वाध्याय भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, संडे मॉर्निंग का आप लोग अच्छे से आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही आपका आनंद बढ़ता जाए। कल की हो गई, ढाई हो गई है।
सुड़ी उड़ बयण मेयम रोवंती के गई बढ़ई अंतम। सुनी ऊण सुन करके अब के कई माता रोने लगी, स्त्री का स्वभाव होता है। सुड़ी ऊण सुन करके वयण मेयम इस प्रकार से वयणम एयम तो क्या बन गया वयण मेयम। क्या शब्द है इसमें वयणम और एयम, इस प्रकार के वचन को सुन करके रोवंती के गई बड़ई कंतम रोते हुए। रोवंती अंत और माल क्या था वर्तमान कृदंत अर्थात उसमें हुए, तो उसमें भी हमने देखा था अंता हो जाता है या माड़ा हो जाता है या अंती हो जाता है ना, पीछे वाले उससे राइम बना के पहले हमने सीखे थे। रोवंती रोती हुई के गई के कई भड़ई कंतम, भड़ई माने कहती है, नॉर्मली नहीं कह रही है, आंसू बहा बहा के रोते रोते कहती है, ठीक है। कंत माने भी पति है, कंत माने क्या है पति, कंत माने पति होता है, कंत माने पति, ठीक है, पति को कहती है। सुन करके इस प्रकार के वचन को रोती हुई के कई कहती है, कंत माने पति को। अब क्या कहती है कि भाई ठीक है आपने दीक्षा के लिए तो बोल दिया कि उसके अलावा कुछ मांगना है। दड ने बंधड़म चीय, दड नेह बंधड़म, इसने का दृढ़ बंधन जो है, बहुत सारे शब्द तो ऐसे ही समझ में आने। दड़ माने दृढ़, नेह माने इसने, ये जो दृढ़ माने की बहुत ही भयंकर दृढ़ता से इसने का जो बंधन है, चीर माने ही। विराग खगेर छिन्नमते, विराग यानी कि वैराग्य, खगेर खग माने पहले भी आया है तलवार, वैराग की तलवार के द्वारा, एड़ लग गया तृतीय विभक्ति एकवचन, छिन्नमते छिन्न भिन्न किया जाता है। पहले तो उसको उसी की बात बोल रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि जो ये मोह का जो बंधन है कैसे तोड़ा जाता है, दिखाई तो दे नहीं रहा है ना, कोई वैसे रस्सी तोड़नी हो तो तलवार से तोड़ देंगे। अब मोह की तलवार, मोह का बंधन अगर मोह वाली रस्सी है तो कौन सी तलवार उसके लिए काम आएगी, जो तलवार आपको दिखती है उससे तोड़ोगे क्या, चाकू से तोड़ोगे क्या, ब्लेड से तोड़ोगे, किससे तोड़ोगे, वैराग्य से, यानी कि उस मोह से आपको अब कोई राग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या कोई मरे, कोई आपकी संपत्ति ले जाए या छोड़ दे, आपको उससे कोई भी मोह रहा ही नहीं, तो आपको ना कोई टेंशन होगी, कोई कुछ भी करे उसका मुझे क्या मतलब है, मेरे को तो अपनी आत्मा से मोह है। तो केकई माता पहले जो राजा के मन के भाव हैं उसी पर थोड़ा सा मक्खन लगा रही हैं, क्या लगा रही हैं कि तुम्हारे द्वारा, ते माने आपके द्वारा, वैराग्य की तलवार के द्वारा छिन्न भिन्न किया गया है ना, ते माने तुम्हारे द्वारा। सम्मान के लिए यहां पे क्या लिखा है, आपके द्वारा, वो क्या कह रही है, आपके द्वारा छिन्नम यानी कि छिन्न भिन्न तोड़ा गया है, छिन्न भिन्न छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न बोलते हैं कई बार सुबह शांति धारा जो लोग करते हैं, छिन्न भिन्न यानी कि उसको तोड़ा गया है, काटा गया है। वैराग खगेर, वैराग्य रूपी खग माने तलवार, एड़ लग गया द्वारा यानी कि तृतीय विभक्ति एकवचन, वैराग्य
रूपी तलवार के द्वारा किए माने ही दृढ़ स्नेह बंधन, दृढ़ माने दृढ़, ने माने स्नेह, बंधन माने बंधन, दृढ़ ने माने स्नेह यानी कि मोह, बंधन माने बंधन। सुनी ओर सुन करके वयलम एयम यानी कि वचन को, इस प्रकार के वचन वयलम प्लस एयम इस प्रकार के वचन को सुन करके रोती हुई, रोवंती रोती हुई केकई देवी, बड़ई माने कहती है, कंतम नया शब्द है, कंत माने पति को, पति को कहती है कि आपके द्वारा यानी तुम्हारे द्वारा वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा छिन्न भिन्न किया गया है क्या दृढ़ स्नेह बंधन, सभी परिवारिक जनों के प्रति, राज्यकाल के प्रति जो इतने सालों से आपका बंधन था उसको आपने वैराग्य की तलवार से छिन्न भिन्न कर दिया है, काट दिया है। इसकी आपकी दो गाथाएं और रह गई हैं, समय पर क्लास चल रही है। कौन कह रही है? केके देवी। ज्यादा कठिन नहीं है आज के प्राकृत के शब्द, समझ में आ रहे हैं, एक दो शब्द भी आपको जब आपका एग्जाम होता है पकड़ में अगर आ जाते हैं तो पूरी गाथा आप का अर्थ लिख सकते हैं, क्योंकि तो प्राकृत लिखने को पेपर में नहीं आएगी, इसका भावार्थ अर्थ ही लिखने को आएगा। ऐसा दुधर चरिया, दुधर दा के नीचे ध, दुधर तो आधा जिसको बोलेंगे दा को, और धा कैसे बोलेंगे पूरा, दुध दुधर चरिया यानी कि बहुत ही कठिन चर्या, इस प्रकार की कठिन चर्या। उव इठा जिड़ वरे ही सबे हिम, उव इठा टा के नीचे ठा, उव इठा जिड़ वरे ही, जिन वरों के द्वारा यानी अरिहंत भगवान के द्वारा, जिन वर ही लग गया तो बहुवचन हो गया तृतीय व्यक्ति, जिनवरों के द्वारा यानी कि अनंत भगवानों के, जिनवर के द्वारा, सभ्येहिम सभी यानी कि महावीर भगवान से लेकर आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक और बीच में जितने भी केवली हुए उनके द्वारा जो दुर्धर चर्या यानी कि राजकाज से भी छोड़ छाड़ के जो कठिन चर्या है वो बताई गई है। इस प्रकार कह अज तक्खड़म चिये, कह कैसे अज आज तक्खड़म चिये, तक्खड़म चिये उपन्ना संजने बुद्धि, अब वो पूछ रही है कि आपकी ऐसी बुद्धि अचानक से क्यों हो गई। उपन्ना यानी कि उत्पन्न, संजमे यानी कि संयम में बुद्धि, इतने दिन से तो आप ठीक ठाक थे, आज जो है ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो पतिदेव। सभी जनवरों के द्वारा इस दुर्चर्या का उपदेश दिया गया है, आज सत्कर्ज में है ना, वो कह रही है कि उव इठा यानी कि उपदेश, उव इठा उपदेश दिया गया है, और आप तो इतने दिनों से धार्मिक हो,
प्रवचन इत्यादि भी सुनते हो, है ना, स्वाध्याय भी करते हो, तो सभी जिंदरों के द्वारा ऐसा उपदेश दिया जाता है, सुनते तो सब है, लेकिन आज आपकी अचानक से बुद्धि कैसे हो गई है? ऐसी दुर्धर चर्या यानी कि कठिन, दुर्धर माने चर्या यानी कि कठिन चर्या, दुर्धर सीखते ना, दुर्धर ना कठिन, दुर्धर बोलते हैं बहुत ही कठिन चर्या, यानी कि अब जो है एक टाइम आहार लेना, वो भी मिला नहीं मिला, जंगलों में रहना, तप करना, नग्न रहना, है ना, इतने सारे परिसर सहन करना, ठीक है, स्नान इत्यादि न करना, पीछे कमंडल रखना, बहुत सारे जो दुर्धर चर्या है, इतने बड़े राजकाज को छोड़ करके आप कैसे करोगे? तो उसे लग रहा है ऐसी दुर्धर चर्या का उपदेश दिया गया है जिनवरों के द्वारा, सभी यानी कि सभी जिनवरों के द्वारा, कह अज तक्खणम यानी कि आज तत्काल, तक्खण माने कि तत्क्षण यानी कि इसी क्षण, इतने सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन तत्क्षण यानी कि तत्काल, तत्क्षण बोलते हैं तो क्या हो जाता है इसका मतलब, तत्काल यानी कि आज ही, तुरंत, चीयर ही, आज तत्काल ही, कहा माने कैसे, हाउ, है ना, उत्पन्ना संयमे बुद्धि, उत्पन्न हुई है आज आपका दिमाग क्यों खराब हो गया है, ठीक है, संयमे यानी कि संयमे के संयम है, संयम होगा, संयम होता है, तो कई बार ना मिलते जुलते शब्द है तो हिंदी के ही लिख देते हैं, संयमी, प्राकृत में क्या है संयम और हिंदी में क्या है संयम, संयम में, ठीक है, देवी की तरह से, तो मे लग गया, संयम वर्ण है, ए लग गया, तो क्या हो गया सत्यम, तो आज अचानक से संयम में आपकी बुद्धि क्यों हो गई है, बोलो ऐसी दुर्धर चर्या यानी कि इतनी कठिन चर्या जो है जिसका उपदेश सभी जिंदरों के द्वारा दिया गया है, तो आज कैसे अचानक से, तत्क्षण माने तत्क्षण, अचानक से ही, चीय माने ही, आपकी संयम में बुद्धि, कैसे संयम बोलते हैं दीक्षा को, संयम देने के लिए आपका मन कैसे कर रहा है, कौन कह रहा है, के कई फिर से सवाल पूछ रही है, क्योंकि राजा ने कह दिया कि भाई कुछ भी मांग लो, लेकिन है ना दीक्षा को छोड़ करके मांग लेना, तब उसने रोते रोते कहा, तो उसे लगा कि इनको दीक्षा से इस टाइम इतना ज्यादा मोह है कि बाकी सारे मोह है ना सब इनके लिए कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी देने को तैयार है, एक क्षण में कुछ भी दे देंगे, और साफ साफ कह दिया कि दीक्षा को हटाने की बात मत कह देना उस वर के नाम पर, जो वर मैंने बहुत साल पहले आपको दिया था, सुर वही समेसु सामी, सुर वही समेसु, सामी हे स्वामी, नियम भोगेसु लालियम देहम, नियम भोगेसु लालियम देहम, इस देह के लालन पालन के लिए और नित्य भोगों में लगा रहता है, सुरवे समय सु यानी
सुरवई सुरपति के समय सुसमान। हे स्वामी, है ना, सुरपति का आपका शरीर पाला हुआ है। ये कौन कह रहा है? अभी भी ये केकई ही कह रही है। क्या कह रही है? हे स्वामी सुरपति यो के समान, यानी कि सुर माने देवता, देवताओं के भी पति यानी कि इंद्र के समान। इतने बड़े राजा हो आप अयोध्या के, तो बचपन से आपने इतने भोग भोगे हैं, इतना ऐसा आराम है, इतने आपके सब कोमल चीजें हैं, सेवा में हर चीज उपस्थित है, तो नित्य भोगों में आपकी देह का लालन पालन हुआ है। कोई सड़क पे रह रहा हो, बहुत गरीब हो, तो उसका शरीर तो बेचारा कोई बात नहीं, उसको तो जंगल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो इतने वैभव के साथ रह रहा हो कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल तो हम बड़े बड़े लोगों का वैभव देखते हैं, और यहाँ तो दशरथ राजा थे अयोध्या के राजा, तो आप आज के समय कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उनके वैभव की क्या सीमा रही होगी। तो हे स्वामी, जैसे किसी नरेंद्र का यानी कि देवताओं के राजा का जो वैभव होता है, सुर वही समेसु सुरपतियों के समान। हे स्वामी नियर माने नित्य, हमेशा भोगों में लालन पालन हुआ है आपके शरीर का। खर फरुस कक सहरे, खर फरुस, यहां पे रूस नहीं है, क्या है? रूस है, यानी कि ऊ का गोला नहीं लगा। खर फरुस, खर फरुस कक सहरे, कक सहरे कह अरी हसी पर सहे जेवम, कह अरी हसी परी सहे, जे किस प्रकार से परिसह यानी कि परिशह वर्ड आपने और ग्रंथों में कई बार सुना होगा, परिशह सहना यानी कि कष्ट सहना, परिसह अत्यंत तीव्र कैसे समर्थ होंगे, ये आपके लिए तीन नए वर्ड है याद करने हैं। जे उम जीतने के लिए अरे अरिहस यानी कि अरिहस समर्थ, 21वीं गाथा है, समर्थ होते हो अरिह होगे। पहली लाइन का तो आगे समझ में, सुर वही समेसु यानी कि सुर वही समेसु लग गया, तो उनके समान देवेशु की तरह से सप्तमी व्यक्ति, हे स्वामी सुरपतियों के समान नियय माने नित्य भोगों में लालन हुआ है आपकी देह का। खर फरुस कक सहरे, खर माने है अत्यंत, फरुस माने तीव्र, कक सहरे कठोर और कर्कश, ये चार वर्ड हैं इसमें, ये आपको याद करने हैं। खर माने बहुत ज्यादा यानी कि अत्यंत, अब ये अत्यंत वर्ड आप देखिए हिंदी का इधर ध्यान से, तो क्या लगा आप या के बाद में ना लगा, क्यों बताया था 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 ना, उस वाली उसमें ता वाले में ऐसे लगेंगे, अगर इसको ना हटाना है तो कैसे लिखेंगे, अत्यंत बिंदी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर बिंदी हटाएंगे तो नीचे ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा ये, क्योंकि ता वर्ग में है। अत्यंत फरुस का मतलब कठोर, फरुस का मतलब तीव्र, जैसे फरसा होता है बहुत तेज, तो फरुस से बना तीव्र। कक्कश, कक्कश, कक्कश से क्या बना, कक्कश सयरे कर्कश, कर्कश सुना होगा आपने, कर्कश किसे बोलते, बहुत ही कर्कश है ये बंदा, कर्कश वाणी है,
यानी कि खड़ा बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कठोर, है ना। कर्कश का मतलब उसमें साथ में कठोर भी लिखा है, दोनों एक ही बात है। कर्कश यरे यानी कि कर्कश, तीव्र और अत्यंत, बहुत ज्यादा कठोर जो परिचय है जंगलों के, है ना, कि ना आपको सर्दी में रजाई मिलेगी, ना चद्दर मिलेगा, ना डबल बेड मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, लकड़ी पे सोना पड़ेगा या जंगल में ऐसे ही भूमि पर चटाई पर, ठीक है, मिली मिली नहीं मिली नहीं मिली। कह कैसे अरीश है, अरीश है का मतलब है समर्थ होते हो, सी लग गया तो होगे समर्थ, होते हो या फिर समर्थ भावार्थ निकाला, समर्थ हो पाओगे। परी सहे जेहुम, जेहुम माने जीतने के लिए, हेतवर्धक कृतम जब माने जीतना, तो जेहुम से क्या बन गया, जैसे जीतने के लिए। परिचय यानी कि परिचय अर्थात कष्ट, परिचय जो होते हैं जो आपको जीतने होते हैं, परिचय कहां है, परिचय जेहुम जीतने के लिए, हेतवर्धक कृदंत उम और तुम लग गया, तो सभी परिसहों को जीतने के लिए आप कैसे समर्थ होगे। परिसे यानी कि कोई भी अगर मच्छर ने भी काट लिया, सांप ने भी काट लिया, तो आपको चूर नहीं करनी है। और भगवान भी जैसे बेलें चढ़ गई थी, सांप चढ़ गए थे, तो वो क्या था, एक तरह से परिसे ही था, तो उससे ही देह और आत्मा अलग अलग है, ऐसे भाव आते हैं, तो इसलिए परिसे जीतना बहुत जरूरी होता है ना। तो यहाँ पर मेन कुछ शब्द है, सुरपतियों के समान, सुरपति के समान, नियम माने कि नित्य, लालियम यानी कि लालन पालन, देह माने शरीर, भोगेशु भोगों में, ठीक है, आगे समझ में, कह माने कैसे, ये तीन वर्ड थोड़े से समझने के हैं। खर माने बहुत ज्यादा, फरुस माने बहुत तेखा तेज, कक्कस माने कर्कश यानी कि कठोर। हे स्वामी, आपका शरीर सुरपतियों के समान लालन पालन हमेशा नित्य किया गया है और भोगों में भोगा गया है, तो जब आप दीक्षा धारण कर लोगे तो अत्यंत तीव्र और कर्कश यानी कि कठोर ये जो परिसे हैं, है ना, दीक्षा के, वो आप कैसे सहन करोगे, यानी कि जीतने के लिए कैसे समर्थ होगे। अरिहस आपको याद करना है, अरिहस माने कैपेबल होना यानी कि समर्थ होना, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, सभी को जय जिनेन्द्र।